करने वाले हैं मेरी लाइफ स्ट्रेंजर। तो चलो देखते हैं कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म होता है। मैंने तो अभी तक अपने घर वालों की एक भी बात नहीं मानी है, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना स्ट्रेंजर की ही बातें मान लेती हूँ। गाइस, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि किसके पास जाऊँ और अपनी लाइफ कंट्रोल करवाऊँ, यार किससे पूछूँ। आज ना मेरी लाइफ स्ट्रेंजर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे आपसे पूछना, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, आप मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या खाना चाहिए? ये जगह है ये सवाल पूछने का। आपको भूख लगी है इस समय? भूख लगी है ना, ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक, इसलिए तो मैं आप लोगों से पूछने के लिए आई। अभी तो मुझे देखा नहीं मैंने तो। अच्छा, जैसे हल्का चीज हो गया, कोई फ्रूट हो गए खा लो। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, सुबह से आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, तो अभी कोई जैसे बड़ा खाना खा लोगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएंगे। पोहा वगैरह? पोहा, पोहा और फ्रूट कहा है आपने? नहीं तो अभी जैसे बड़ा खाना अभी खा लेगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जैसे कि उन्होंने बोला है कि पोहा और फ्रूट्स खाने, मुझे तो यार ठीक है मैं फ्रूट्स तो ढूंढ लूंगी, लेकिन पोहा मुझे नहीं पता कि कहाँ पे मिलेगा। तो ठीक है, हम ढूंढेंगे और खाएंगे अभी अपना ब्रेकफास्ट। चलो चलते हैं और ढूंढते हैं। तो गूगल पे अच्छी तरह से सर्च करने के बाद कि पोहा कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, मुझे मिला है चायोस। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे खाने के लिए पोहा, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर पोहा अभी अवेलेबल होगा या नहीं। तो चलो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं अपना। पोहा होगा? यहाँ तो भैया ने मुझे सीधा साफ मना कर दिया कि पोहा नहीं मिलेगा अभी, और पोहा हमारे यहाँ भी अवेलेबल है ही नहीं। उसके बाद तो मुझे लगा कि मेरा चैलेंज पूरा का पूरा खराब ही हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे पोहा नहीं मिला, मैं ढूंढ कर आई थी यार कि यहाँ पे पोहा होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने कहा वेट भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, वो अभी नहीं देंगे बनाकर मुझे। तो चलो अब हम चलते हैं घर पे, घर पे ही एक तरीका है जो मिल पाएगा पोहा, तो चलो वहीं पे खाएंगे अब। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि मुझे स्ट्रेंजर ने कहा था कि खाओ पोहा और फ्रूट, तो मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बाहर नहीं मिलता मैं आ गई घर। कितना ढूंढने के बाद भी मुझे पोहा कहीं नहीं मिला। वाओ, घर के पोहे की तो बात ही अलग है, और ये बहुत टेस्टी बना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल गई अपने नेक्स्ट टास्क के लिए। थैंक यू। अच्छा चलो, मेरा आपसे एक सवाल है, आज ना स्ट्रेंजर्स मेरी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि आज मुझे अभी किसके लिए शॉपिंग करनी चाहिए, खुद के लिए, अपनी बहन के लिए, बिंदी के लिए, या फिर अपनी मम्मी के लिए, आंटी के लिए? आंटी के लिए। टूटा हुआ जैसे कि उन्होंने कहा कि आंटी के लिए शॉपिंग करवाओ, मतलब मेरी मम्मी के लिए, तो मुझे लगा ही था कि वो तो मुझे लगा ही था कि ऑप्शन है वो मेरी मम्मी को ही बोलेंगी, और मुझे अच्छा लग रहा है यार, क्योंकि मेरी बहन के ऊपर मेरे पैसे वेस्ट नहीं होंगे और मैं अपनी मम्मी पे तो खर्च कर सकती हूँ। चलो उनके लिए शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि किस चीज की शॉपिंग करनी है, और उन्होंने कहा कि मुझे मेरी फेवरेट लिपस्टिक दिला दो। तो मैं आ गई यहाँ मेकअप की शॉप पे। तो ये मैंने अम्मी के लिए शॉपिंग कर दी, जो कि अम्मी को काफी टाइम से मेकअप चाहिए था, तो अम्मी के लिए भरपूर मेकअप ले लिया है। मेकअप तो कुछ नहीं है, तुम लोग के पास रहता ही है, लेकिन नहीं, लिपस्टिक का अम्मी को शौक है वैसे। वाइप्स के लिए अम्मी को वाइप्स चाहिए थी, तो वाइप्स ले लिया, और अम्मी को चाहिए था मास्क, तो देखो मैंने कितने सारे मास्क ले लिए। मेकअप से पहले अम्मी मास्क लगाती है, शीट मास्क, और अम्मी को लिपस्टिक जो है ना एक शेड बहुत अच्छा लगा था, वो ले लिया है, बहुत दिन से बोल रहे थे। और ये देखो अम्मी, ये पॉकेट वाला है, ये तो मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आया, ये मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आया, ये सबसे क्यूट है, बहुत प्यारा लग रहा है ना। इसको मम्मी पॉकेट में रख के जो है ना बाहर जाना ट्रेवल में। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये रहा अम्मी, ये लो। थैंक यू बेटा, वीडियो देखोगी तो थैंक यू तुमको, इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया। हाँ, चलो अब मैंने टास्क पूरा कर दिया अपना। तो अभी मैं स्ट्रेंजर से पूछने वाली हूँ कि ये 100 रुपए जो है इसे मुझे ऐसे ही किसी को देना चाहिए या फिर इसको डबल करके देना चाहिए। तो चलो देखते हैं, पूछते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। ये 100 रुपए आप लेना चाहोगे या फिर मैं इसको डबल करके किसी और को दूं, आप क्या चाहते हो? किसी और को दे दो, डबल करके दूं। हाँ। उन्होंने मुझे कहा है कि इसको डबल करके किसी और को दो, तो चलो अब हम इसको डबल करके किसी और को देते हैं। अब ये 100 है तो हम इसको 200 करके देंगे। आप इस पैसे को डबल करके किसी और को देना चाहोगे या फिर ये आप खुद रखना चाहोगे? डबल करके खुद, कैसे, समझ में नहीं आया। ये गड़बड़ है बाबा। जैसे ये पैसे आप 200 रुपए खुद रखना चाहोगे या फिर इसको डबल करके किसी और को दे दूं? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाह रहा, तो गेम बचाना पड़ेगा। आपको समझ में नहीं आया? समझ में तो आ गया, लेकिन मैं करना ही नहीं चाह रहा। इसको डबल करके किसी और को दूं या फिर इतना ही? इतना ही दे दो। शाबाश बेटा। तो उन्होंने कहा कि इतने ही पैसे दे दो, ये भी बहुत है उनको लग रहे थे, और इसको बढ़ाओ मत। तो चलो मैं यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं जिनको मैं दे सकती हूँ, चलो इनमें ही डिवाइड करके दे देते सबको। तो मैंने उस 200 रुपए को 50-50 में डिवाइड कर दिया ताकि मैं सबको दे पाऊँ। तो ये लो। थैंक यू। तो चलो अब देखते हैं आगे मेरी जिंदगी में क्या क्या होता है और लोग कैसे कंट्रोल करते हैं मेरी लाइफ।
अभी मैं जा रही हूँ किसी स्ट्रेंजर से पूछने के लिए कि क्या आपको मेरा मेकअप ठीक लग रहा है, या फिर मैं इस मेकअप को कुछ चेंज करूँ, या फिर कुछ भी आप अगर चेंज करवाना चाहो तो। अच्छा चलो पूछते हैं। चेंज कुछ ना करवाएं यार, मुझे अपनी शक्ल ऐसी ठीक लग रही है, देखते हैं। चलो तो अपने मेकअप के बारे में मैं एक मेकअप की शॉप पे पूछने वाली हूँ, तो चलो पूछते हैं कहीं ये कुछ उल्टा पुल्टा ना बोले। आपको मेरा मेकअप सही लग रहा है, या फिर मुझे अपने मेकअप में कुछ चेंज करना चाहिए? तू तो गया बेटे। आईब्रो अच्छी लग रही है, आधी आईब्रो पिंक कर लो। खत्म, बाय बाय, टाटा। आधी आईब्रो पिंक कर लूं मैं अपनी? पिंक कैसे करूंगी यार मैं? और भी ज्यादा अच्छा लगेगा पिंक करने से। मैं भी अच्छी लग रही, खास नहीं लग रही इतना कुछ ज्यादा। पिंक आईब्रो करोगे तो और अच्छे लगोगे। ठीक है मैं पिंक करती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी आके। तो गाइस जैसे कि मुझे उन भैया ने कहा है कि अपने आईब्रोज को पिंक करो, मैं कुछ खास नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, खास दिखने के लिए हम आईब्रो को पिंक कर लेंगे, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा ये फाउंडेशन जो कि नया मंगवाया यार, और उसको ही खर्च कर रही हूँ वो भी इसमें। वैसे उन्होंने कहा आधी आईब्रो पिंक करनी है, तो फिर मैं आधी ही करूंगी यार। मन नहीं कर रहा यार, कैसा लगेगा यार ये क्या कर रही हूँ मैं, पागल समझेंगे सबके सब मुझे। आईब्रो उड़ गई मेरी भाई, बहुत अजीब लग रहा है ये तो। छी भाई ये क्या किया मैंने यार, लोग मुझे देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं लोग, क्या ये लोग हंसते हुए गए पूरा मेरे ऊपर। चलो फिर मैं पहले अच्छे से पिंक एलियन बन जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या ये लुक मेरे पे सूट हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि हो रहा है। पिंक आईब्रो वाली कौन ही होता है यार, अजीब लग रहा है। चलो अब ये जो स्ट्रेंजर भैया ने मुझे दिया था ये डेयर, जो भी बोलेंगे इसको ये करने के लिए, उनको दिखा कर लाते हैं। और अब मैं उनको ठीक लग रही है नहीं पूछते हैं चल के। वाह क्या सीन है। आप बताओ आप ठीक लग रही हूँ मैं? आपने कहा था मैंने पिंक आईब्रो कर ली अपनी, वो तो मैं मजाक कर रहा था यार। अब मेरी पिंक आईब्रो जब हो गई तो ये कह रहे कि मजाक कर रहा था। अब देखो आपने आपने बोला आज मेरी स्ट्रेंजर्स लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं, और आपने मेरी लाइफ कंट्रोल करके मेरी आईब्रोज पिंक कर दी। ठीक तो लग रही हो? हाँ वैसे तो अच्छे लग रहे हो, बट पहले से बेटर है। पहले से बेटर? मुझे तो मैं बिल्कुल भी अच्छी लग रही हूँ। गाइस मैं समरीन को नहीं जानती, इसको नहीं जानती, मैं इसकी लाइफ कंट्रोल करना चाहती हूँ। अच्छा मैं नहीं जानती इसको, कौन है भाई? आज ना स्ट्रेंजर्स मेरी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं, क्या आप मेरी लाइफ में कुछ करना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल शौक से। क्या जा और बीच में नाच उधर सड़क पे, वहाँ पे बीच में खड़ी हो नाच उधर, और एक ठुमका लगा के दिखा, ये करना पड़ेगा एक ठुमका। हाँ तो ठीक है। दिल पे पत्थर रखे ये सवाल पूछने वाली हूँ कि मुझे अपने बालों के साथ क्या करना चाहिए, अपने बाल ऐसे ही रखने चाहिए या फिर कुछ हेयर कट करना चाहिए? लेकिन यार मैं नहीं चाहती कोई हेयर कट बोले, मेरे बाल छोटे हो गए हैं ऐसे। देखते हैं क्या बोलते हैं स्ट्रेंजर। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, आज मेरी लाइफ जो ना लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे पूछना है कि मुझे अपने बाल ऐसे ही रखने चाहिए या फिर इसको कट करना चाहिए? अब हम क्या बताओ, बताओ बताओ हम क्या बताई, खुले ही रखे रहे उनका। खुला नहीं, कट करूं या फिर ऐसे ही रख रहे? बताओ क्या करूं? बाल काट लो। हाय हाय इतना सुकून। ओ कह रहे हो बाल काट लो, हंस दे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। बाल कटेंगे तभी तो मजा आएगा। इसने कहा है बाल काट लो, तो मैं अपने बाल काट लूंगी यार, और अभी मैं जा रही हूँ अपने बाल यहाँ यहाँ तक करवाने, तो चलो चलते हैं। जैसे कि उसने कहा था कि बाल छोटे करूं, मैं आ गई हूँ अपने बाल छोटे करने के लिए। हाँ डर लग रहा है, मैं कैसी लगूंगी यार? गाइस आप प्लीज मुझसे भेंट नहीं करोगे और मेरे पास ही रहोगे, मुझसे कोई दूर नहीं जाएगा। और अगर आप लोग इतना ही प्यार करते हो मेरे से, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, और आप लोग कमेंट में लिखेंगे #TakliSamreen। नहीं गाइस नहीं, बस। और आप लोग सब्सक्राइब भी करो, मैं टकली हो रही हूँ ना यार, प्लीज कर दो प्लीज 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 प्लीज। वैसे उस स्ट्रेंजर बच्चे ने मुझे बाल काटने के लिए कहा था, हाँ हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, बाल काटने के लिए। लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि कितने बाल काटने हैं। तो अब मैं बाल एक दिन का काटूं या ये पूरे बाल काटूं, क्या फर्क पड़ता है? क्यों है ना दिमाग इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। चीटिंग करता है तू।
चीटिंग चीटिंग कट गए मेरे बाल। यार आप लोगों को भी पता हो कि सबके बाल सबको बहुत प्यारे होते हैं, तो मुझे भी अपने बाल बहुत ज्यादा प्यारे हैं, मैं इनको बिल्कुल संभाल कर रखना चाहती हूँ। वो बच्चे ने शायद मजाक में बोला होगा ऐसे ही, और उसके बाद मैंने मान के अपने बाल थोड़े से काटे हैं, तो बस हो गया। तो अब मैं स्टैंडर्स की उंगलियों पे नाचते नाचते बहुत थक गई हूँ, और बस हो गया, अब यार अब नहीं कर पाऊंगी। मैंने सारी चीजें कर ली, उनके पसंद का खाना से लेकर सब कुछ कर दिया, तो बस यहीं पे खत्म होती है मेरी वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप लोग मेरी लाइफ कंट्रोल करते तो आप मेरे साथ क्या करते। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो, आपको आईडी दिख रही होगी। तो अब मैं मिलूंगी आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।